नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है रितेश और मेरे चैनल पे आपका स्वागत है। दोस्तों आज बात करेंगे एक फिल्म के बारे में, नाम है द टुमारो वॉर, आई है अमेजॉन प्राइम वीडियोज़ पे, डायरेक्टर है क्रिस मैके। दोस्तों ये फिल्म इंग्लिश के साथ साथ हिंदी में भी उपलब्ध है। यहाँ कहानी है डैन फॉस्टर की, वो एक एक्स सोल्जर हैं और अब टीचिंग का काम करते हैं। परिवार खुशहाल है, पत्नी है, एक 9 साल की बेटी है। एक दिन ये सब लोग फुटबॉल मैच देख रहे होते हैं टीवी पे। अचानक फुटबॉल के मैदान में कुछ लोग प्रकट होते हैं। वो कहते हैं कि वो फ्यूचर से आए हैं, 30 साल आगे से वो आए हैं, और जब जिस समय में वो रह रहे हैं उस समय मानवता खतरे में है, कुछ एलियंस ने हमला कर दिया है और धरती पर कब्जा जमाना चाहते हैं। ये लोग अब वर्तमान के लोगों से अपील करते हैं कि वो फ्यूचर में उनके साथ चलें और एलियंस के खिलाफ जंग में मदद करें। सभी देशों के राष्ट्राध्यक्ष इस बात पर सहमत होते हैं और सभी देशों की सैन्य टुकड़ियां फ्यूचर में भेजी जाती हैं, लेकिन कुछ खास सफलता नहीं मिलती और वहां सर्वाइवल रेट भी केवल 20% का है, यानी जितने लोग जा रहे हैं उसमें से 20% लोग ही लौट करके वापस आ रहे हैं। अब ये तय किया जाता है कि आम लोगों को भी इस युद्ध में भेजा जाएगा। अलग अलग लोगों का चयन किया जाता है और उनको 7-7 दिन के लिए फ्यूचर में भेजा जाता है, जहाँ उनका काम है एलियंस से लड़ना या हो सके तो उनको खत्म कर देना। और एक दिन यहाँ डैन की भी बारी आती है, जिसको कि अब फ्यूचर में जाना है। तो अब क्या होता है, क्या एलियंस जीत जाते हैं या फिर इंसान सर्वाइव करते हैं, यही आप इस फिल्म में देखेंगे। दोस्तों इस फिल्म का जो कंसेप्ट है वो ठीक ठाक ही आपको लगता है और कुछ चीज़ें यहाँ कल्पनाशील तरीके से रखी गई हैं वो अच्छी लगती हैं, खास करके 2051 में जिस तरह की टेक्नोलॉजी होने वाली है उसको यहाँ ढंग से दिखाया गया है। और दोस्तों इस फिल्म को शुरुआत में अच्छे से बिल्डअप किया गया है, एक सस्पेंस क्रिएट किया गया है, एक उत्सुकता हमारे मन में जगती है कि आगे क्या चीज़ें होने वाली हैं। लेकिन फिर आपको कई कमियाँ दिखती हैं, खास करके स्क्रीन प्ले में कई कमियाँ आपको दिखती हैं और बहुत चीज़ें यहाँ ऐसी हैं जो कन्विंसिंग नहीं है। जैसे आप यहाँ एलियंस को देखिए, एलियंस एक तरह से अलग ही क्रीचर यहाँ बना दिया गया है, एक मॉन्स्टर टाइप बना दिया गया है जिसका काम है केवल कत्ल करना। और दोस्तों यहाँ आपको पिता पुत्री का एक बढ़िया रिलेशन देखने को मिलता है, इनके इमोशन आपको देख करके अच्छा लगता है और ये चीज़ें जो हैं वो थोड़ा सा हो सकता है कि आपको कहीं टच करें। लेकिन इस फिल्म की जो सबसे खास बात है वो है इसका एक्शन। एक्शन के दृश्य काफ़ी दमदार हैं, काफ़ी अच्छे तरीके से इनको फिल्माया गया है, पेश किया गया है और ये देखना आपको काफ़ी इंगेज करके भी रखता है। खास करके यहाँ क्रिस प्रैट ने जो अपना काम किया है एक्शन के दृश्य में वो आपको अच्छे लगे हैं और यहाँ विजुअल इफ़ेक्ट्स भी आपको काफ़ी अच्छे दिखते हैं। हालाँकि कुछ चीज़ें हैं जो आपको इलॉजिकल लग सकती हैं या ऐसा लग सकता है जैसे कल्पना की कुछ ज़्यादा ही उड़ान भर ली गई है। लेकिन दोस्तों यदि आपको एक्शन पसंद है, गोली बंदूक बम ये सब देखने में आपको अच्छा लगता है तो ये फिल्म देख करके आपको ज़रूर अच्छा लगेगा। और देखिए अगर तकनीकी तौर पे देखा जाए तो ये फिल्म आपको ठीक दिखती है, एक्टिंग का जो पैमाना है कलाकारों का वो भी आपको ठीक ठाक दिखता है। हालाँकि ये फिल्म है थोड़ी लंबी, ये है 2 घंटे 18 मिनट की और इसको थोड़ा सा काट करके छोटा ज़रूर किया जा सकता था। और एक साफ सुथरी फिल्म है दोस्तों, यहाँ ऐसी कोई न्यूडिटी या गले गलौज जैसी चीज़ है नहीं। तो आखिरी तौर पर अगर कहें तो दोस्तों ये एक एक्शन मसाला मूवी है और अगर आपको एक्शन देखना पसंद है तो आपके लिए ये फिल्म ज़रूर है, आप इसको एक बार देख सकते हैं और इसके लिए मेरी रेटिंग रहने वाली है 5 में से 3 की। तो दोस्तों आज इतनी ही बात, आप मेरे वीडियोस को देखिए, लाइक कमेंट शेयर करिए, पहली बार आए हैं मेरे चैनल पे तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा। धन्यवाद।